बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमें ट्रेनिंग किसी एक बड़े सिटी में रह के करना चाहिए या एक स्मॉल सिटी में रह के करना चाहिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी एक स्मॉल सिटी से करते हो तो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती हैं कंपनीज की। जैसे कि मान लो आपने लखनऊ से किया, कानपुर से किया, या आपके एरिया में जो एक स्मॉल सिटी होते हैं आपने अगर वहाँ से किया, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे कंपनीज कम होती हैं। लेकिन वही आप जब बड़े सिटी से करते हो, लाइक आपने बैंगलोर से कर लिया, आपने दिल्ली से कर लिया, मुंबई से कर लिया, हैदराबाद से कर लिया, तो वहाँ पे आप क्या देखो कि एक एक बिल्डिंग में आपको 10 10 15 15 कंपनीज मिल जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़े सिटी में बहुत ज़्यादा है, एंड जितनी भी आप मल्टीनेशनल कंपनी देखोगे वो आपको नॉर्मली बड़े सिटी में ही ज़्यादा मिलेगी, स्मॉल सिटी में बहुत कम होती है, या एक दो ब्रांच उनके स्मॉल सिटी में होते हैं। क्योंकि जब आप कहीं एडमिशन लेने जाते हो ना, कमिंग टू दी पॉइंट, जो जब आप एडमिशन लेने जाते हो उस समय क्या होता है कि जब एनरोल कराते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको तमाम तरीके की चीज़ें बता देते हैं कि नहीं ये देखो मेरा यहाँ पे इतने बच्चों का प्लेसमेंट हमने कराया, इतने बच्चों का कराया। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मैं सारे इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो झूठ बोल के आपका एनरोलमेंट करा लेते हैं, जिसके बाद जॉब आपको कहीं नहीं मिल रही होती है, और कुछ इंस्टीट्यूट उसी में होते हैं जो दिलाते हैं। बट इनिशियली ये हम लोग को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि जिस इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लेना है, क्या वो हमें सच में जॉब दिला पाएगा कि नहीं दिला पाएगा, ये हमें इनिशियली फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो आपके पास अगर आपको लगता है कि आप उतने एक्सपेंसेस वियर कर सकते हो, उतने खर्चे कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बड़े सिटी में आकर आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी हो। बट हाँ, अगर आप छोटे सिटी में जाते हो तो वहाँ पे आपके ऑब्वियसली खर्चे कम होंगे बट अपॉर्चुनिटी कम होगी। बड़ी सिटी में आओगे तो इंस्टीट्यूट का भी आपसे ज़्यादा चार्ज लिया जाएगा और वहाँ पे रहने का भी ज़्यादा चार्ज होता है। तो ये बेसिकली दोनों में कंपैरिजन होता है, एंड मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ, आप चाहो तो अभी देख सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने एक वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।